खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, लांस नायक अब्दुल कादिर, नायक रफी खान और नायक खुशदिल शामिल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बार लाहौर से नहीं होगा, कराची से सखर तक अवाम तीर के साथ है। मुखालिफीन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते, बिलावल भुट्टो को यकीन। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के राबते पर बोले, ये राबता आज नहीं हुआ, लीगी कायद की वापसी पर हुआ था। अगर कोई फोन करता है तो ये इतनी बड़ी खबर नहीं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने बरवक्त इंतखाबात नागुजीर करार दे दिए। कहा, सबसे बड़ा मसला मईशत है, तमाम पार्टीज को मईशत को सियासत से अलग रखते हुए मिसाके मईशत करना पड़ेगा। PTI के साबिक MPA इफ्तखार गिलानी का IPP में शमूलियत का ऐलान। इसराइल की 24 घंटों में गजा के 450 मकामात पर बमबारी, फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की तादाद 10,022 हो गई। जनूबी अफ्रीका का इसराइल का सिफारती बायकॉट, अमला वापस बुला लिया। और वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का टाकरा, बंगाल टाइगर्स जीत के लिए 280 रन के हदफ के ताकुब में। दुनियाई क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट, श्रीलंकन खिलाड़ी मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले ही पवेलियन लौट गए।